दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। सृष्टि जी कहते हैं, आप 15 से 20 दिन का अंतराल जो बताते हैं फर्टिलाइजर के लिए, तो उसमें हम जब अलग अलग तरह की जो फर्टिलाइजर है वो ऐड करेंगे तो उसमें बैलेंस कैसे रखेंगे फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसको, और ज्यादा फर्टिलाइजर से जो प्लांट है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि प्लांट जल सकते हैं या मर सकते हैं। देखिए सृष्टि जी, 15-20 दिन का अंतराल का मतलब ये नहीं है कि आप 15-20 दिन के अंतराल में जितने भी आपके पास फर्टिलाइजर है सारे डाल दे। 15-20 दिन का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप एनपीके यूज करते हैं तो उसको आप 15-20 दिन के अंतराल में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एनपीके के साथ 15 दिन में ही उसको जो अलग से पोटाशियम है वो भी डाल रहे हैं, अलग से नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं, तो उससे तो आपका प्लांट जलेगा ही। फिर तो मेरे कहने का मतलब है, एक फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं उसको आप 15-20 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। आप उसके साथ अगर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जैसे गोबर खाद वगैरह तो वो आप सोइल में ऐड करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन गर्मियों में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज ना करें। काफी हमारे फ्रेंड्स जो है ऐसा ही करते हैं और फिर बाद में कहते हैं ओवर फर्टिलाइजर से जो प्लांट हमारा जल गया। अगला सवाल जैस बोरा का है, वो कहते हैं कि जो मैं पोट में जो सोइल ऐड करता हूँ उसके अंदर जो गार्डन का सोइल है वो और साथ में कंपोस्ट ऐड करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पोट है, पोट का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि जो फर्स्ट लेयर होते हैं, कहते हैं कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, एक परत सी जम जाती है जिससे पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता, यानी कि ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि जो प्लांट है उसमें पानी अच्छे से है, लेकिन अगर चेक किया जाए नीचे तो सोइल में पानी नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका एक कारण ये हो सकता है आपने प्लांट को इंडोर रखा हुआ, दूसरा कारण ये हो सकता है आपका जो सोइल है उसके अंदर चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी, चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी ऐसा हो जाता है, या आप जब इंडोर प्लांट रखते हैं तो उसको उसकी वजह से उस पर हरी हरी जो काई जो है वो जम जाती है प्लांट के ऊपर, तो वो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, वो काई से जब जम जाती है तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जो सोइल है ये अभी गीला है, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वो गीला नहीं होता, और ये कहते हैं कि इतना हार्ड हो जाता है ऊपर की मिट्टी के अगर हम बीज वगैरह लगाते हैं तो वो भी बाहर नहीं आ पाते, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए आप अपने सोइल को चेक कीजिए, सोइल के अंदर जो चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा ना हो उसको बिल्कुल वेल ड्रेन सोइल बनाइए, जैसे कि मैंने वीडियो बताया है, आप चेक कर सकते हैं मेरे सोइल का जो वीडियो वो, तो आप एक वेल ड्रेन सोइल यूज कीजिए जिसके अंदर अच्छा सोइल हो, पानी अच्छे से रिस जाए, अगर पानी उसमें अच्छे से ड्रेन होगा तो ये प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं आएगी। दूसरा, प्लांट को आप धूप में रखिए, अगर अभी फिलहाल तेज गर्मी है तो आप उसको सेमी शेड में रख सकते हैं, और उसका एक ये भी कर सकते हैं आप, पोट के अंदर आप 15-20 दिन में आप गुड़ाई कर दें ताकि जो ऊपर की जो परत है वो खत्म हो जाए, और उसमें जो वाटरिंग जब आप करें तो अच्छे से प्लांट में वाटरिंग होती रहे, तो गुड़ाई करना भी जरूरी है प्लांट के अंदर। दोस्तों, अगला सवाल गोपी जी का है, गोपी जी कहते हैं कि जो बोनसाई है, बोनसाई के अंदर बोनसाई के नीचे जो पत्थर लगाते हैं क्या वो लगाना जरूरी है? ठीक है, पत्थर बोनसाई के अंदर दो तरह से यूज होता है, एक तो नीचे होल को ढकने के लिए जो ठिकरी यूज की जाती है, एक तो वो पत्थर लगाना आप बता रहे हो, एक दूसरा होता है रॉक ऑन बोनसाई, यानी कि बोनसाई को पत्थर के ऊपर लगाया जाता है ताकि उससे उसका लुक ऐसा आता है जैसे कि जो प्लांट है हमारा एक बड़ा ट्री है जो एक पहाड़ पे रखा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक मैंने खंगर यहाँ पे रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने फिलहाल कोई प्लांट लगाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम प्लांट लगा सकते हैं बोनसाई। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बोनसाई प्लांट लगाए तो क्योंकि ये पहाड़ जैसा दिख रहा है और छोटा प्लांट यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे हम छोटे प्लांट लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल जैसे माउंटेन एरिया है वैसा लुक आएगा जब हम इसको इस तरह से प्लांट इस पे लगाएंगे। दूसरा, प्लांट के आसपास पत्थर रख दिया जाता है ताकि उसका जो आसपास का एरिया है वो भी पथरीला लगे, यानी कि माउंटेन एरिया जैसा लगे, तो इसलिए भी यूज किया जाता है। तो और अगर आप बिल्कुल जो होल के ढकने के लिए जो पत्थर यूज कर रहे हैं तो वो आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर होल पर आप जो ठिकरी वगैरह नहीं लगाएंगे तो जो पानी है वो आपका जब आप पॉट में पानी देंगे तो पानी के साथ जो मिट्टी है वो भी सारी नीचे चली जाएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, आज के सवालों का जवाब मैंने दे दिए हैं, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।